भाईजान भाईजान अल्लाह की कसम बीवी थी मेरी वो। ओए कैसे शौहर हो तुम, जैसे उसकी अपनी बीवी ही नहीं पहचानती। तो यार गुस्से में कह रही थी वो बेवकूफ। तुमने जो है ना जरूरत से ज्यादा अकलमंदी झाड़ने की कोशिश की है, इसी वजह से तुम यहाँ आ जाओ। आप मुझे अपना फोन दे, मुझे घर बात करनी है। क्यों, तुम्हारे अब्बे ने लेकर दिया मैं फोन? अब्बे तक ना पहुंचे आप। चुप करके बैठ जाओ, थानेदार आके खुद फैसला करेंगे। किया क्या मैंने यार, क्यों मुझे अब अलार्म बंद करके रखा हुआ आपने? ओए इस पप्पू बच्चे को बता इसने किया क्या है। जवान लड़की को छेड़ लेते और पूछते हो मैंने क्या किया है। तो सर वो जवान लड़की बीवी है मेरी, आपको कितनी दफा बता दूं, मैं लिख के दे दूं। इसका फैसला तो ऐसे तो साहब ही करेंगे, हम जाने। खामोश बैठिया, जरा चिड़ चिड़े मत कर। यार यहाँ पे खाने टाइम से खाना। क्यों? इस घर के हालात बहुत खराब होने वाले हैं। तुमने फिर से कोई तमाशा लगाया है घर में? जलाल पापा की इतनी फिट वीडियो बनाई है। क्या मतलब? अब मतलब आपको ना मासूमा पप्पू बताएंगी, खून की प्यासी बनी घूम रही हैं। तुमने फिर से अपनी बई बकवास हरकतें करना शुरू कर दिए। मैं जाऊं जाकर बताऊं अम्मा अब्बा को तुम्हारी हरकतों के बारे में। आप ऐसा अपने भाई पे जुल्म नहीं कर सकती। आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड को ना अपने कमरे में जगह दी हुई है, रेंट लेके दे देना मुझे। दिया पुत्र उस मरासी को देखा है तूने? कौन मरासी? सल्लू भैया का जिक्र कह रही है। ये चलाकियां और होशियारियां डीजे, तू अगर अपनी पढ़ाई पे लगाए ना तो दिन रात तुझे पटापे ना पड़े नईमा से। बड़ा सल्लू, सल्लू कहाँ गया, उसे देखा है? नहीं नहीं चाहिए जी। भाई अगर अगले आधे घंटे में ना तेरे प्यो की गड्डी लेके वो वापस ना आया ना तो मैं तुझे बता रही हूँ नजाकत भाई को ना फालज का अटैक हो जाना। क्या कैसी बातें कर रही हैं ताई जी आप? तुझे नहीं पता जिया सेकंड हैंड गड्डी क्या ले ली है तेरे प्यो ने, उसका आवास नहीं चल रहा, उसके ऊपर शॉपर चढ़ा के ना गड्डी को घर की छत के ऊपर सजा दे ताकि कोई इस्तेमाल ना कर सके उसकी शाही सवारी। तो नहीं हुआ क्या है मतलब? पता नहीं सवेरे से ना तेरे प्यो ने गड्डी वाला कट्टा खोला हुआ है, सल्लू पता नहीं उसकी गाड़ी लेके कहाँ चला गया है। तो आप फोन कर लेना उसे। फोन ना मीजना कार पे छोड़ के चला गया, गया होगा ना यासिर के साथ लफंटियां करने के लिए। तेरे प्यो को देख के आती हूँ, बेहोशी ना हो जाए। इतना मत खाया कर मोटू, फट जाएगा किसी दिन। क्या खाने के लिए ना मैं